नमस्कार मित्रों, धोरण 10 गणित प्रकरण 2 बहुपदी पार्ट 1 विडियो में आपनु स्वागत है। आ विडियो में आपणे बहुपदीना जे प्रकार है सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी, तो ये प्रकार उदाहरण विषय चर्चा करवानी है। आ उपरांत सुरेख बहुपदी में शून्य क्या प्रकारना मळे ये पण आ विडियो में आपणे अभ्यास करवानो छे। आ विडियो में बहुपदीनी जे प्रस्तावना है, प्रारंभिक ख्याल है, एनी चर्चा करवानी है। सौथी पहला तो एक घातवाड़ी जो बहुपदी है एने सुरेख बहुपदी कहेवाय। बहुपदी ने अंग्रेजी में पोलिनोमियल तरीके ओळखवामां आवे छे। एक घातवाड़ी बहुपदी ने सुरेख बहुपदी एटले के लीनियर पोलिनोमियल कहेवामां आवे छे। एना उदाहरणनी वात करीए आपणे तो सुरेख बहुपदीना उदाहरण जे छे ए आ प्रमाणे आपणे लखी सकीए। दाखला तरीके 2x - 3 तमे जोई शको छो कि अहीं एक्सनी एक घात छे एटले एने सुरेख बहुपदी कहेवाय। बीजुं एक उदाहरण लईए आपणे √3x + 5। तमे जोई शको छो कि एक्सनी एक घात छे एटले आ पण सुरेख बहुपदी कहेवामां आवे छे। हवे सुरेख बहुपदी जे छे एनो आलेख ज्यारे दोरवामां आवे तो आलेख सुरेखा मळे छे। आ वातनुं आपणे ध्यान राखीशुं। आगळ आनी चर्चा आपणे ज्यारे आलेखन प्रकारनी वात करीशुं त्यारे एनी चर्चा करीशुं, पण अहीं वात आवे छे एटले विद्यार्थीओने जाणकारी माटे सुरेख बहुपदीनो आलेख ए सुरेखा आवे छे। आ वात पण आपणे खास ध्यानमां राखीशुं के एनो आलेख ए सुरेखा आवे छे। बे घातवाड़ी जे बहुपदी है एने द्विघात बहुपदी कहेवामां आवे छे अने अंग्रेजी में एने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तरीके ओळखवामां आवे छे। तो एना पण उदाहरण आपणे जोई लईए कि जे द्विघात बहुपदी है एमां महत्तम बे घात होय छे, एटले एनुं व्यापक स्वरूप पण आगळना धोरणमां तमे शीख्या छो। एनुं व्यापक स्वरूप आ प्रमाणे थाय ax² + bx + c। आ द्विघात बहुपदीनुं व्यापक स्वरूप है, ज्यां a, b, c ए 3 अचळांक है अने एनी किंमत ए 0 न होवी जोईए ए शरत है। तो द्विघात बहुपदीना उदाहरणनी वात करीए आपणे तो द्विघात बहुपदीना उदाहरणनी अंदर आ प्रमाणे आपणे लखी सकीए कि 2x² + 3x - 5। तो अहीं जोई शको छो कि महत्तम बे घात छे एटले आ द्विघात बहुपदी कही शकाय। बीजुं एक उदाहरण लईए आपणे y² - 2। तमे जोई शको छो कि y नी महत्तम घात 2 छे एटले ए द्विघात बहुपदीनुं उदाहरण है। अने द्विघात बहुपदीनो ज्यारे आलेख दोरवामां आवे तो ये आलेख परवलय मळशे। परवलय आपणे आलेखनी चर्चा करवाना छीए। जाणकारी माटे छे कि द्विघात बहुपदीनो आलेख ए परवलय होय छे। 3 घातवाळी जो बहुपदी होय तो एने त्रिघात बहुपदी कहेवामां आवे अने अंग्रेजीमां एने क्यूबिक पोलिनोमियल तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले एना पण उदाहरण जोई लईए आपणे त्रिघात बहुपदी। तो पहला स्वरूपनी बात करिए तो त्रिघात बहुपदी ने आ प्रमाणे आपणे लखी सकीए ax³ + bx² + cx+ d। अने जेम अहीं बात करी थी कि abc अचळांक है एम अहीं abcd ए अचळांक होय, बराबर, अने आ अचळांक है अने ए छे ए 0 न होवुं जोईए, ए पण एना माटेनी बीजी शरत थशे। एटले आ एनुं व्यापक स्वरूप थई गयुं छे। हवे त्रिघात बहुपदीना केटलाक उदाहरण जोई लईए आपणे तो आ प्रमाणे आपणे उदाहरण लखी सकीशुं। पहेलुं उदाहरण लखीए कि जेमां महत्तम 3 घात होय एटले 3x³ - 2x² + x - 1। तमे जोई शको छो कि महत्तम घात 3 छे एटले आ त्रिघात बहुपदी कही शकाय। बीजुं उदाहरण लईए आपणे कि 3x³ + 8। जुओ मित्रों, अहीं पद फक्त 2 ज छे पण पदना आधारे क्यारेय नक्की नहीं करवानुं, घातना आधारे नक्की करवानुं। तमे जोई शको छो कि महत्तम घात 3 छे एटले महत्तम घात 3 होय तो ए त्रिघात बहुपदी कहेवाय, बराबर। p(k) बराबर जुओ, अहीं जुओ p(k) बराबर 0 होय तो वास्तविक संख्या k ने बहुपदी p(x) नुं शून्य कहे छे। तो आना माटे आपणे एक उदाहरण लई अने समजीए। एक रकम लईए के दाखला तरीके कोई बहुपदी लीए p(x) = x² - 3x - 4। आ एक बहुपदी है। हवे एनी अंदर आपणे x नी विविध किंमत मूकी अने चेक करिए कि शून्य क्यूँ प्राप्त थाय छे। तो सौथी पहला आपणे x बराबर 4 लीए। x बराबर 4 तो शुं थाय छे? हवे x ना स्थाने आपणे शुं करीशुं? x ना स्थाने 4 मूकीशुं। धोरण 9 में आ प्रकारना दाखला आपणे भणी गया छे। तो अहीं आपणे p(4) लखीए तो x ना स्थाने 4 एटले 4² - 3 / 4 ओछा चार आ प्रमाणे थशे। हवे एनु सादुरूप आपी दीए, 4 नो वर्ग थशे 16, 3 × 4 12 ओछा 4 बराबर। तो 16 × 16 आ प्रमाणे थशे अने 16 × 16 एटले 0। तो तमे जोई शको छो के अहीं पी ऑफ एक्सनु मूल्य 0 मळे छे जो आपणे एक्सनी किंमत 4 मूकी। एनो मतलब एवो थाय के एक्स ओछा 4 ए आनु 0 छे। तो आपणे लखी शकीए के एक्स बराबर 4 ए बहुपदीनु 0 छे। हवे बीजी किंमत माटे आपणे वात करीए के एक्स बराबर -1 मूकी दीए। बीजी किंमत मूकी छे आपणे एक्स बराबर -1। तो हवे शुं थशे पी ऑफ -1 बराबर एक्सना स्थाने आपणे -1 लखीशुं एटले जे पहेलामां ही 4 लख्युं छे त्यां बधे आपणे -1 लखीशुं एटले -1 ओछा 3 કૌંસમાં -1 ઓછા 4। તો એનું સાદુરૂપ આપી દઈએ, -1 વર્ગ એટલે 1 થશે। આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો અને અહીં પણ માઇનસ છે, અહીં પણ માઇનસ છે, ગુણાકારમાં માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય એટલે 3 × 3 અને -4 એટલે 4 × 4 એટલે 0। તો અહીં પણ 0 આવે છે। એનો મતલબ કે x બરાબર 4 અને x બરાબર -1 આ બંને બહુપદીના 0 છે। તો एना आधार अपने आज वाक्य है फरीथी वाक्य जोई लीए। आ वाक्य के पी ऑफ के बराबर 0 होय तो के ने बहुपदीनु 0 कहे छे, जे अहीं उदाहरण परथी जोई शको छो तमे के एक्स बराबर 4 मूकता शेष वधती नथी एटले 0 आवे छे। एटले आपणे लख्युं के एक्स बराबर 4 ए बहुपदीनु 0 छे। ए ज रीते पी ऑफ -1 मूकता 0 आव्युं तो ए लखी शकाय के एक्स -1 ए बहुपदीनु 0 छे। हवे सुरेख बहुपदी होय तो एना 0 कया प्रकारना मळे अने एनुं सूत्र शुं छे एनी आपणे चर्चा करवी छे। तो एक सुरेख बहुपदी आपणे लखीए तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स वत्ता बी आ सुरेख बहुपदीनुं व्यापक स्वरूप छे। हवे 0 त्यारे ज प्राप्त थाय के किंमत मूक्या पछी अंते जवाब आवे एटले आपणे पी ऑफ एक्स बराबर 0 लई लीए तो एवुं लखी शकाय के माटे ए एक्स वत्ता बी बराबर 0। तो एनो मतलब शुं थशे के एक्स बराबर -b/a आ किंमत प्राप्त थशे। एटले आपणे एवुं कही शकीए के कोईपण सुरेख बहुपदी होय तो एनुं 0 -b/a प्राप्त थाय, जे अहीं नीचे लखेलुं छे। तमे जोई शको छो के सुरेख बहुपदी ax+b एनुं 0 -b/a। एटले आनुं सूत्र बनावવું હોય तो शुं थाय जुओ ax+b एमां b एटले अचळ पद थाय અને a એટલે x નો સહગુણક છે। તો આપણે અહીં સાઈડમાં લખી લઈએ કે a અને b શું છે। તો a બરાબર a શું છે તો x નો સહગુણક અને b શું છે તો અચળ પદ છે, અચળ પદ। તો આ જે લખ્યું સૂત્ર -b/a તો -b b એટલે શું તો અચળ પદ। તો ઉપર આવશે અચળ પદ अने छेद में ए है, ए शू है तो एक्स नो सहगुणक है ये छेद में आवशे तो अहीं आवशे एक्स नो सहगुणक बराबर। आ सुरेख बहुपदी तो सुरेख बहुपदी माटेना 0नु आ सूत्र है। एटले बंने रीते आपणे याद राखीशुं के सुरेख बहुपदीनु 0 ए -b/a थाय, आ सुरेख बहुपदीनु 0 है। अने बीजी रीते आपणे लखवुं होय तो आ प्रमाणे लखी शकीशुं के -- अचळपद अने छेदमां छेदनी अंदर आवशे एक्स नो सहगुणक।